हेलो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आप आश्चर्यचकित हो गए, आपका आश्चर्य में होना स्वाभाविक है क्योंकि मेरे शुरू के उद्गार हुआ करते थे, हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मॉडल स्कूल राजगढ़ प्रतापगढ़। तो दोस्तों, ये परिवर्तन का एक तर्कसंगत आधार है और वो तर्कसंगत आधार दोस्तों ये है कि मेरी यात्रा सहायक अध्यापक पद से होते हुए मैं मॉडल स्कूल राजगढ़ में हेडमास्टर इंग्लिश मीडियम के पद पे काबिज हुआ और उसके बाद दोस्तों 5 वर्ष वहाँ बेहद खूबसूरती के बीते। स्कूल में 5 वर्ष में बहुत दोस्तों आमूलचूल बदलाव हुए। स्कूल एक बहुत ही खूबसूरत स्कूल उसे बनाया गया। वहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के माध्यम से न केवल 50 डेस्क बेंच, सारे कक्षाओं में दोस्तों वाइट एंड ग्रीन बोर्ड, सीसीटीवी कैमरा, कंप्यूटर को इंस्टॉल करना, 2 लाइब्रेरी के लिए अलमीरा, ऑफिस के लिए अलमीरा, उसके बाद गेम्स के दोस्तों सारे सामान और ना जाने कितने परिवर्तन दोस्तों उस विद्यालय में हुए। और उसके वीडियोज़ दोस्तों यहाँ पे इस चैनल पे अवेलेबल है। वहाँ पे 4 झूले लगे। इसके अलावा भी दोस्तों सोनाटा फाइनेंस के सौजन्य से और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के सौजन्य से एक शिक्षा की अलख जगाने में, जनमानस में लोगों का प्यार पाने में, बच्चों का प्यार पाने में, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद पाने में दोस्तों मैं सफल हुआ। उसके बाद दोस्तों मेरा चयन जिला समन्वयक प्रशिक्षण के पद पे माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रतापगढ़ में हुआ। और चूंकि हमारे माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय आपको दिखाते हैं, श्री अशोक प्रताप सिंह जी हैं और आपकी छत्र छाया, शीतल छाया और पावन सानिध्य में दोस्तों मुझे ये पद भार ग्रहण करने का सुअवसर मिला। आप ही की सलाह रही कि क्यों ना अब इस चैनल को, जो वर्तमान पद पर आप काबिज़ हैं, पूरे के पूरे जो हमारे शिक्षक भाई बहन हैं इनके कल्याण के लिए इनके प्रशिक्षण का प्रभार आपने ले रखा है और प्रशिक्षण या शिक्षा दीक्षा से संबंधित आप वीडियोस बनाया करते हैं, तो क्यों ना आप डीसी ट्रेनिंग के जिस सम्मानित पद पे आप काबिज हैं, आप उस चैनल का नाम मॉडल स्कूल राजगढ़ से हटाकर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश इस चैनल का नाम रखें। तो माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के दोस्तों सलाह पे, इनकी अमूल्य सलाह पे दोस्तों मैंने इस चैनल का नाम अपने पद के हिसाब से दोस्तों रख दिया है। लेकिन आपको दोस्तों मैं अश्योर करता हूँ कि इस पे नाना प्रकार के जो बच्चों के निर्दोष वीडियोस आप पाते हैं वो तो पाते ही रहेंगे, बल्कि सरकार की जो भी शासनादेश है, सरकार का जो बेसिक एजुकेशन के रिफॉर्म के प्रति मिशन प्रेरणा से रिलेटेड या कोई भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं दोस्तों आपको इस चैनल पे तुरंत अवेलेबल होगी, ऐसा मेरा दोस्तों वादा है आप सभी के साथ। तो माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अमूल्य जो सुझाव है, सलाह है दोस्तों, उसको फॉलो करते हुए इस चैनल का नाम दोस्तों बदला जा रहा है। अब आप मॉडल स्कूल राजगढ़ की जगह डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से इस चैनल को दोस्तों जाना जाएगा। आप आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी का आशीर्वाद, स्नेह और प्यार जैसे मिलता रहा है वैसे ही मिलता रहेगा। आगे चलते हैं, उस आदेश से आपको रूबरू कराते हैं जिसके तहत दोस्तों हमारे ज़िंदगी में ये विद्यालय से मुख्यालय तक की यात्रा का ये दौर दोस्तों शुरू हुआ और वर्तमान पद पर दोस्तों हम डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के पद पर काबिज हैं। तो दोस्तों दिखाते हैं वो लेटर दोस्तों, ये महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्याभवन निषादगंज लखनऊ 226007, ये दोस्तों एड्रेस है और प्रेषक इसके राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ है। सेवा में श्री अजय प्रकाश दुबे, पुत्र श्री शारदा प्रसाद दुबे, सहायक अध्यापक यहाँ लिखा है बट मैं वहाँ पर सहायक अध्यापक के पद पर कार्य नहीं था, ये क्लेरिकल मिस्टेक है। मैं वहाँ पर हेड मास्टर के पद पर कार्यरत था, मॉडल प्राथमिक विद्यालय राजगढ़, ब्लॉक सदर, जनपद प्रतापगढ़, पत्रांक जिला समन्वयक चयन 7231/2019 मार्च 2020, विषय जिला समन्वयक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में। महोदय, उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
के समग्र शिक्षा के अंतर्गत दिनांक 27 जनवरी, जी हाँ दोस्तों 27 जनवरी 2020 को संपन्न ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर आपको जिला परियोजना कार्यालय जनपद प्रतापगढ़ के जिला समन्वयक प्रशिक्षण के पद पर प्रतिनियुक्ति पर एतद द्वारा तैनात किया जाता है। उक्तानुसार आप जिला समन्वयक प्रशिक्षण प्रतापगढ़ के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अपने मूल विद्यालय से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के समक्ष अपनी योगदान आख्या पत्र प्राप्ति के 10 दिन के अंदर प्रस्तुत करें। उक्त पदस्थापन के प्रति संबंधित जिला समन्वयक का वेतन संबंधित के जनपद के मूल विद्यालय से ही आहरित किया जाएगा। उक्त के क्रम में अनुपालन आख्या राज्य परियोजना कार्यालय को दिनांक 27 मार्च 2020 तक अनिवार्यता उपलब्ध कराई जाए। यदि उक्त अवधि तक आप द्वारा संबंधित जनपद में कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो आपका चयन निरस्त कर दिया जाएगा। इस चयन के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत भी आपका धारणाधिकार यानी लियन आपके मूल विभाग में बना रहेगा। तो भवदी श्री विजय किरण आनंद जी, राज्य परियोजना निदेशक। और ये पत्र दोस्तों आप देख सकते हैं प्रेषित कहाँ हुआ है। सक्षम अधिकारियों को अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, माननीय जिला अधिकारी एवं अध्यक्ष जिला परियोजना समिति जनपद प्रतापगढ़, अपर राज्य परियोजना निदेशक राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ, अपर परियोजना निदेशक राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ, वित्त नियंत्रक राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ और मुख्य विकास अधिकारी जनपद प्रतापगढ़। तो दोस्तों इसी आधार पर मेरा चयन माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग के पद पर हुआ है। और आप सभी के बीच में ये प्रशिक्षण की जो बयार है दोस्तों वो बहती रहेगी, ऐसा मेरा आप सभी के साथ वादा है। और पूरा विश्वास है कि आपका प्यार दोस्तों पहले से ज़्यादा मुझे मिलेगा और मिलना भी चाहिए, क्योंकि हम आपके बीच में दोस्तों उसी मोहब्बत के साथ जुड़े हैं जैसे पहले जुड़े थे। और कोशिश है कि हमारे आपकी में मोहब्बत प्यार दोस्तों बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ आप देख सकते हैं अपने अजय प्रकाश दुबे डीसी ट्रेनिंग को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश के इस चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।